इस समय रात के 3 बजे हैं। मैं राम की बंडी पे आया हूँ डोसा खाने के लिए। मेरे को कुछ लोगों ने बोला रात को 3 बजे ये स्टॉल लगता है और सुबह 7 बजे बंद हो जाता है, तो इस चक्कर में मैं रात को सोया ही नहीं। ये जानने के लिए कि एक्साइटमेंट देखने की थी कि ऐसा कैसा स्टॉल है जो केवल रात को 4 घंटे के लिए खुलता है। मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ, अब अंदर जा रहा हूँ फाइंड आउट करने के लिए। गली के अंदर थोड़ा अंधेरा था तो मैं बाहर रोड की तरफ आ गया। 15 मिनट की वेटिंग के बाद मुझको डोसा मिला, लेकिन मिल गया। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 70-80 लोग तो इस समय डोसे का इंतज़ार कर रहे हैं। अब लेकिन इसको रखा कहाँ जाए ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये पिज़्ज़ा डोसा जो मैंने अपने लिए लिया, इसका थोड़ा सा तोड़ के मैं आपको अंदर से फिलिंग दिखाता हूँ। पनीर, चीज़, शेजवान सॉस, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और मसाले की जगह उपमा डाला गया। ये जो डोसे का बाहर से लेयर है ये काफ़ी क्रिस्पी है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जो टिपिकल बैटर डोसे का होता है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस बैटर के अंदर। अगर टेस्ट के हिसाब से बात करेंगे तो टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन अगर बात करेंगे रात को 3 बजे उठ के आना इस डोसे को खाने के लिए, तो उसके लिए काफ़ी आपको हाई एनर्जी लेवल चाहिए। मैं खाने के बाद अंदर जाऊँगा, कुछ लोगों से बात करके पता लगाने की कोशिश करूँगा। रात को मैं तो आया हूँ वीडियो के पर्पज़ से, लेकिन वो लोग रात को 3 बजे क्यों आए डोसा खाने के लिए, फिर वापस आपको बताऊँगा रीज़न। ये चटनी सिंग दाने से बनी है, सिंग दाना को भून कर इसमें डाला गया है। चटनी मेरे को मज़ेदार लग रही है, इनफैक्ट गुड कॉम्बिनेशन डोसे का चटनी के साथ। डोसा तो मैंने ऑलमोस्ट खा लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम मैंने रात को 3:30 बजे ब्रेकफास्ट किया या डिनर किया। कल रात का वैसे मेरा डिनर स्किप हो गया था। अमेजिंग, रात को 3 बजे लोग डोसा खा रहे हैं, तो सोच के आदमी हैरान हो जाए हो क्या रहा है। भाई रात को 3 बजे आप डोसा खाने आए, इसके बारे में कुछ बताओ हमें इतना लेट। सबसे पहली बात तो पोंगल का फेस्टिवल चल रहा है और हम सब यार दोस्त मिलके पतंग उड़ा रहे थे, तो भूख तो लगती है हम लोग को। और यहाँ पे सबसे टेस्टी फूड मिलता है हैदराबाद में, इसीलिए हम लोग आए हैं। और यहाँ पे रात में खाने का क्रेज बहुत ज्यादा है। हैदराबाद में रात को खाना खाने का क्रेज है बहुत ज्यादा है। ओके, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी बताया रात को 3 बजे डोसा हैरान है, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि हैदराबाद में क्रेज है, तो इट इज वेरी नॉर्मल फॉर हिम। हैदराबाद का जो पहला बंदा है नाइट का टिफिन सेंटर स्टार्ट करा और 24 आवर्स अपने को इन्हें सर्विस दे रहा, अपनी भूख मिटा रहा इन्हें। ये भाई साहब हफ्ते में 2 बार आते हैं यहाँ पर डोसा खाने के लिए, तो कितने साल से आप आ रहे हैं यहाँ पर? 13 साल से। 13 साल से इनका बिजनेस है जो थोड़ा लेट नाइट तक चलता है, उसके बाद ये डोसा खा के आप घर जाके सो जाओगे और सुबह आपका नींद खुलेगी 11 बजे। 10 o'clock। मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस में आज पहली बार हो रहा है जब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए 23 किलोमीटर का सफर तय करके जा रहा हूँ। लकड़ी का पुल से तेलापुर रोड हम गुजर रहे हैं इस समय हाईटेक सिटी से। पाका का रेफरेंस मेरे को सिद्धार्थ के तरफ से मिला, हमने यहाँ कल हैदराबाद में मीटअप किया था, तो सिद्धार्थ से मुलाकात हमारी उस मीटअप में हुई। तो सिद्धार्थ ने भी सुबह मॉर्निंग का 2 घंटे का ऑफ लिया अपने ऑफिस से और हमें यहाँ पर लेके आए। मैंने अपने लिए ऑर्डर दे दिया फॉक्सटेल मिलेट पोंगल का। मेरे साथ इस समय शेफ हैं ऋषि, तो ये हमें दिखाएंगे ये चीज़ कैसे बनती है और उसके बाद मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह के पोंगल का। इनसे मैं समझ रहा हूँ इसको कैसे बनाते हैं। मूंग दाल और मिलेट को बॉईल करते हैं, तो उसका एक पेस्ट तैयार करते हैं। पेस्ट तैयार हो जाने के बाद पैन में ऑयल डालते हैं, उसके ऊपर मस्टर्ड सीड्स, अदरक, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज और उसको सॉटे करते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें जो पेस्ट तैयार हुआ उसमें ऐड कर देते हैं। बीच में 1-2 बार पानी डालते हैं उसको ग्रेवी की फील देने के लिए। इसको हम यहाँ पर पोंगल बोलते हैं, अदरवाइज इसको हम खिचड़ी भी कह सकते हैं अगर हम नॉर्थ इंडिया भाषा में बात करें तो। सिद्धार्थ ने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी अपने घर पे कर लिया है, तो ही सेइंग कि मैं थोड़ा सा इसमें से शेयर करूँगा, तो पहले आप इसमें शेयर कर लो। ग्रेट, गरम है, धीरे धीरे खाना पड़ेगा। मूंग दाल और देसी घी का टेस्ट तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन वो जो मिलेट होता है ना, मतलब हिंदी में बाजरा कहते हैं,
उसके टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा, एक दो बार से नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स खा के। लेकिन मैं पिछले कुछ समय से सिद्धार्थ से डिस्कस कर रहा था, सिद्धार्थ मेरे को बता रहा था आप कितना 10-15 दिन में एक बार खाते इसको, ऑलमोस्ट महीने में दो बार ही हैज दिस थिंग इन हिज ब्रेकफास्ट। चीज बड़ी अमेजिंग है, हेल्दी है। फिलहाल इसका टेस्ट की अगर बात करें कैसा टेस्ट आ रहा है, हालांकि हरी मिर्च डाली, लेकिन हरी मिर्च खाओगे तो तीखापन आएगा, अदरवाइज तीखापन इसमें बिल्कुल नहीं है। टेस्ट में मस्टर्ड सीड्स जो डाली उसका फ्लेवर आ रहा है देसी घी की टॉपिंग के साथ, अगर मैं पर्टिकुलर फ्लेवर की बात करूं तो। चीज मजेदार है। साथ में वैसे इन्होंने तीन तरह की चटनी दी है, लेकिन मुझे बोला सिद्धार्थ ने कि इसको आप ज्यादा इंजॉय करोगे मूंगफली की चटनी के साथ। ये दोनों चटनी है टोमेटो की, ये है मूंगफली की, ये है अदरक की चटनी। पहले मैं एक बार अदरक का चटनी से टेस्ट करके देखता हूँ ये चीज कैसी आती है, अगर मैं इसको इसमें मिक्स कर दूं। अदरक की चटनी मैंने थोड़ी ज्यादा डाल दी, वो कॉन्सेंट्रेट हो गया एक पर्टिकुलर पोर्शन में। मूंगफली की चटनी के साथ ये बेहतर टेस्ट दे रहा है कंपैरिजन, मतलब एज अ कॉम्बिनेशन बजाय अदरक की चटनी के। तो सिद्धार्थ यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस थिंग, बिकॉज मैं तो पहली बार खा रहा हूँ, तुम तो खाते रहते हो। या सो हमारे घर में पोंगल एवरी मंडे बनता है, एंड आई मीन हरीश जी को बिकॉज आई लाइक द यूट्यूब चैनल, आई ब्रॉट हिम स्पेशली टू दिस प्लेस सो दैट ही विल हैव एंड एंजॉय पोंगल। And I also yeah, and you brought me to the right place. In fact, मेरे को मज़ा आ रहा है, तो I'll try and get have one more thing. तो मैं कुछ देखता हूँ इनसे मेन्यू में और क्या अवेलेबल है, I'll discuss that with you. ये ब्रेकफास्ट अपना इंटरेस्टिंग रहा, enjoyable, but मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप मिलेट को पहले कभी नहीं खाया तो 5-6 बार खा के डेवलप करना पड़ेगा। Hi guys, this is Faka. We come here often to have healthy and a delicious food. Thank you. ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ये चीज मंगाई, इसका नाम है लेमन सब्जा। लेमन मतलब नींबू, सब्जा वो चीज है जो फलूदा में आप देखेंगे अक्सर लोग डालते हैं। सब्जा की तासीर ठंडी होती है। मैंने साथ में वीडियो में दिखाने के लिए इनसे थोड़ा सेपरेट सब्जा मंगा लिया है, तो अब ये क्लोजअप व्यू में देखिए। अगर सब्जा में पानी ऐड किया जाए तो ये फूल जाता है और पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी रीज़न की वजह से जो आप ये ग्लास के अंदर ऊपर सब्जा देख रहे हैं ये सारा फूला हुआ है। आप सब्जा के नीचे जो कलर देख रहे हैं वो इस वजह से ऐसा है क्योंकि इसमें ब्राउन शुगर डाली गई है। इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट लेमन के साथ सब्जा बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। अभी तक मैंने जब सब्जा एक ही तरह से एक्सपीरियंस किया फालूदा के अंदर, और वहाँ पर ना क्वांटिटी कम होती है सब्जा की सिर्फ हल्का सा टेस्ट देने के लिए, लेकिन यहाँ पर सब्जा अच्छी खासी क्वांटिटी में है। बड़ी हेल्दी चीज़ है, आप गूगल में सर्च करिएगा इसके बेनिफिट्स, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़ने को मिलेंगे। लेमन के साथ सब्जी का कॉम्बिनेशन बढ़िया है, इंटरेस्टिंग। ऐसा टिक टिक हल्का हल्का करके बाइट्स आती हैं, वो बहुत सॉफ्ट है खाने में, इंटरेस्टिंग ड्रिंक। हम यहाँ पर रुके हैं होटल श्री वेंकटेश्वरा में, जो लकड़ी का पुल एरिया में है। ये कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ द सिटी। जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो हमें केवल ट्रैफिक फेस करना पड़ा 2-2.5 किलोमीटर एरिया में, क्योंकि 38 किलोमीटर्स का एरिया एयरपोर्ट टू हैदराबाद हमने स्मूथली तय कर लिया। लेकिन फ्लिप साइड में क्या है कि होटल के बाहर ट्रैफिक हाई है बिकॉज दिस इज हार्ट ऑफ द सिटी। बाकी जो यहाँ पे मेन एरियाज है एबिड्स या जुबली हिल्स, चार मीनार, सब 3-6 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। बाकी होटल की रूम सर्विस या कह सकते हैं हाउसकीपिंग वो सब इन प्लेस है। रूम हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया तो उसके लिए हमें पड़ा ये 2500 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी चीपर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बाकी मेरा स्टे यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल रहा है। एक थोड़ी सी और बात थी कि कभी इंटरनेट एकदम स्मूथ नहीं था, कभी आता जाता कभी जाता चलता रहता था, बट दैट्स आई थिंक हमने मैनेज कर लिया अपनी हॉटस्पॉट से। तो ये इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है जो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है हर होटल में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, बट एनीवेज ओवरऑल कंफर्टेबल रहा। तो मे बी अगर मैं दोबारा हैदराबाद आऊंगा तो आई विल स्टिल कमेंट स्टे एट दिस प्लेस।
मिनर्वा कॉफी शॉप हिमायत नगर में आज का ब्रेकफास्ट। पोंगल मैंने अपने लिए ऑलरेडी मंगा लिया है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है पोंगल के साथ। ऑर्डर देते समय मैंने समझा तो इन्होंने बोला आपको इसमें काली मिर्च का फ्लेवर आएगा, राइस को बॉयल करते हैं मिल्क डाल के और उसके बाद उसका दम लगा देते हैं, तो ये तो मैंने समझ लिया। ये काली मिर्च की बात हो रही थी तो ऊपर ही है। हैदराबाद के अंदर मैंने अभी तक जहां जहां ब्रेकफास्ट किया मैंने नोटिस किया कि कड़ी पत्ता का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है, इनफैक्ट बहुत सारी डिश के अंदर कड़ी पत्ता डलता है। राइस इस लेवल पे बॉयल हुआ है उसके बाद उसका जो दम लगाया गया है जैसा मिल्क के अंदर बताया कि वो एक तरह से हलवा बन गया, खाने में मज़ा आ रहा है। स्पेशली मेरा आज ना गला ख़राब है कल दोपहर से, तो दिस विल हेल्प मी। ब्लैक पेपर, ये टोमेटो बेस्ड है, मेरे को इन्होंने बताया इसमें आपको थोड़ी सी खटास मिलेगी, बाकी कड़ी पत्ता तो इसमें भी है। इसके अंदर ना मेरे को देसी घी का भी फ्लेवर आ रहा है, चीज़ मज़ेदार है और एज अ ब्रेकफास्ट ब्लैक पेपर का फ्लेवर, आई एम एंजॉइंग दिस। मेरा उपमा खाने का मन हो रहा है, वो भी मंगाता हूँ। देखने में सर्विंग स्टाइल जैसे पोंगल का खूबसूरत था वैसे इसका भी सर्विंग स्टाइल बहुत खूबसूरत है। उपमा क्या क्या ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा है, कड़ी पत्ता, ये है चने की दाल, राई दिखाई दे रही है मुझको और ग्रीन चिली दिखाई दे रही है। बाय द वे इस डिश का नाम यहां पर है बॉम्बे रवा उपमा, हरी मिर्च कटी हुई पहली बाइट में। रवा मतलब सूजी, सूजी का इस्तेमाल होता है इसको बनाने के लिए। वैसे बेटर रहता अगर मैं उपमा पहले मंगाता उसके बाद पोंगल मंगाता, क्योंकि पोंगल में काली मिर्च का फ्लेवर स्ट्रांग था, थोड़ा अभी वो मेरे को पावर किया हुआ है, बट स्टिल गुड। खाते खाते मैं नोटिस कर रहा था कि इसमें ग्रीन चिल्ली भी है और इसके अंदर भुना हुआ प्याज भी है राई के अलावा। साउथ इंडिया आए और फिल्टर कॉफी नहीं पी भाई साहब, एक फिल्टर कॉफी कर दीजिए। एक सर, दे देता हूँ फिल्टर कॉफी। या थैंक यू। हाय, आई बीन विजिटिंग टू दिस प्लेस सिंस माय चाइल्डहुड एंड माय फेवरेट डिश ओवर हियर इज ऑनियन रवा डोसा एंड आई विजिटेड दिस प्लेस, आई एक्चुअली लिव इन यूएस एंड दिस इज वन ऑफ माय मस्ट विजिट प्लेसेस। इंस्टेंट कॉफी के अंदर तो कोई एरोमा नहीं होता लेकिन फिल्टर कॉफ़ी में ज़रूर होता है, इस समय हवा में एरोमा है। मेरे को याद है मुंबई में मैंने फिल्टर कॉफ़ी पी थी, कॉफ़ी डिकॉक्शन मिल्क में मिक्स करके शुगर के साथ। इंटरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग डिकॉक्शन है जो इसके अंदर अच्छा फ्लेवर दे रहा है। इसके साथ हमारी ब्रेकफास्ट फूड जर्नी समाप्त होती है। हैदराबाद में ब्रेकफास्ट को टिफिन भी कहते हैं। बताइए जरूर आप कमेंट करके कि ये ब्रेकफास्ट फूड जर्नी आपको कैसी लगी, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। थैंक्स फॉर योर टाइम।